फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास एक व्यूवर ने ये मुझे स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम पे शेयर किया है और इस वो बता रहे हैं कि मैं जब भी यूट्यूब लॉगिन करता हूँ तो उसमें इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। आप देख सकते हैं एन एरर अकॉर्ड, आप देख सकते हैं टैप टू ट्राई अगेन, मतलब देख सकते हैं ट्राई का ऑप्शन दिख रहा है, मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है और नीचे में लर्न मोर अबाउट अकाउंट ऑप्शन ये वाला भी देखने को मिलता है। पर ये क्या होता है कि उनको शाइनिंग नहीं हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है लॉगिन करने में और उनका अकाउंट में भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले, क्षण पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आएगा तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा और सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा, मेल में जाके आप मेल आईडी में जा कर के चेक कर सकते हैं अगर ओपन हो रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन उसमें साइन इन ही नहीं हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा और यूज़र अकाउंट पर क्लिक करना होगा या फिर यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पे सर्च करना है अकाउंट और यूज़र अकाउंट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से ओपन करके आ सकते हैं यहाँ पे और अपने अकाउंट को जो भी जीमेल आईडी वगैरह है, यहाँ पे गूगल का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो गूगल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी अकाउंट होंगे उसको, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा वो यहाँ पे जीमेल आईडी दिख जाएगा। मेरे के यहाँ पे और भी जीमेल आईडी है जो यहाँ पे शो हो रहा है, पर यहाँ पे मैं जीमेल आईडी को क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही हमारा जीमेल आईडी ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, 2 डॉट पे और रिमूव कर देना है। और रिमूव करने से पहले आपको ये जीमेल आईडी जो भी होंगे उसको लिख करके रख लीजिएगा ताकि आपको साइन इन करने में दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया। सेकेंड मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा काम करता है, ये भी जो मैं आपको बताया ये भी काम करता है। उसको दोबारा साइन इन कर लीजिएगा लॉग आउट करके, ठीक है, रिमूव हो जाएगा वहाँ से। सेकेंड ऑप्शन होता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके फ़ोन में जो व्हाट्सअप फेसबुक है वो सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर आपका इंस्टाग्राम, अगर वो सब चल रहा है तो आपको इसमें नेटवर्क इशू आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर वो नहीं चल रहा है तो आप सिम को निकाल के दूसरे फ़ोन में लगा के चेक कीजिए कि सिम में तो नहीं प्रॉब्लम है। सिम में अगर प्रॉब्लम होगा तो उस फ़ोन में भी वर्क नहीं करेगा। अगर सिम में नहीं प्रॉब्लम होगा, अगर इस फ़ोन में होगा तो आप उसका सलूशन कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। फ़ोन में प्रॉब्लम होता है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना है डाटा, बस डाटा सर्च करेंगे तो यहाँ पे डेटा यूजेस दिखेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, डाटा बैकअप ये सब दिखेंगे और यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे और भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं रीसेट सर्च करता हूँ, ठीक है, जो सेटिंग मैं ढूंढ रहा हूँ वो दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे मैंने रीसेट सर्च कर लिया और यहाँ पे नेटवर्क नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो दिखेगा, बाकी जो नीचे है इन सबको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आई मीन टच करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है राइज टू नेटवर्क, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी लॉक होगा उसको आप ऐसे इस तरीके से आप रीसेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक मैं अपना डाटा ऑन कर लेता हूँ, तो यहाँ से ये नेटवर्क रीसेट करता ही आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकेंड मेथड भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिले सिम कार्ड वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिम वन सिम टू, तो सिम जिसमें भी सिम लगा उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद VoLTE, वाईफाई कॉलिंग और ये प्रेफर नेटवर्क आप पे जाएंगे तो आपके ये 4G LTE पे सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा एक्सेस नेम पॉइंट, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे रीसेट टू डिफ़ॉल्ट एक्सेस नेम पॉइंट को कर सकते हैं, ठीक है, इस पर हमने क्लिक किया और जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो ईजिली सॉल्व हो जाएगा।
तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।